4000 घंटे किस प्रकार से हम हमारे वीडियोस का कंप्लीट करें जिससे हमारे YouTube चैनल का क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाए, और किस प्रकार से हम हमारे वीडियोस को अपलोड करें, किस टॉपिक के ऊपर हम वीडियोस अपलोड करें, क्या हमारे वीडियोस के अंदर हम बदलाव करें कि YouTube चैनल का क्राइटेरिया 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे हमारे कंप्लीट हो जाए। जी हाँ दोस्तों, आप एक यूट्यूबर हो या फिर आप नया चैनल बनाने की सोच रहे हो या फिर आपने हाल ही में अपना नया चैनल बनाया है, तो आपके दिमाग के अंदर बिल्कुल से यही सवाल उत्पन्न होता होगा कि हम हमारे YouTube चैनल के ऊपर किस प्रकार के वीडियोस बनाएं, किस प्रकार के हम हमारे वीडियोस के अंदर बदलाव करें, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स आजमाएं जिससे हमारे वीडियोस के ऊपर ज्यादा से ज्यादा व्यूज की प्राप्ति होती रहे और हमारे YouTube चैनल का क्राइटेरिया 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम आवर हमारे जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए। तो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसी ही जानकारी बताएंगे कि आप अपने YouTube चैनल का क्राइटेरिया 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे आप बहुत ही कम समय में आप कंप्लीट कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों, वीडियो चालू करने से पहले मैं आप सभी से एक छोटा सा अनुरोध करना चाहूंगा कि वीडियो को आप लाइक जरूर कर देना, क्योंकि बाद में आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, जितने भी नए नए क्रिएटर आते हैं सबके सामने यही समस्या उत्पन्न होती है कि वो अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर किस प्रकार के वीडियोज अपलोड करें, किस प्रकार के वो वीडियोस बनाएं, किस प्रकार के उनके अंदर टिप्स एंड ट्रिक्स आजमाएं जिससे उनके वीडियोस के ऊपर ज्यादा से ज्यादा व्यूज की प्राप्ति होती रहे, और व्यूज ही नहीं वो अपने वीडियोस के ऊपर ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर भी किस प्रकार से गेन कर सके, उनका वॉच टाइम आवर किस प्रकार से वो बढ़ा सके ताकि उनका यूट्यूब चैनल का क्राइटेरिया जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो सके। तो देखिए दोस्तों, सभी के साथ यही समस्या उत्पन्न होती है, यानी कि जो भी नए क्रिएटर आते हैं सबके सामने सबसे बड़ी समस्या यही रहती है कि वो 1000 सब्सक्राइबर तो बहुत इजी वे में कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन वॉच टाइम आवर उनका 4000 घंटे है वो कंप्लीट बहुत ही मुश्किल से होता है, यानी कि बहुत ही बड़ी मेहनत उनको करनी पड़ती है, बहुत ही ज्यादा समस्या उनके सामने उत्पन्न होती है। तो किस प्रकार से आप अपने YouTube चैनल का 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे बहुत ही कम समय में और बहुत ही आसान तरीके से आप कंप्लीट करें, वो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। जी हां दोस्तों, अगर आपको अपने YouTube चैनल का क्राइटेरिया जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है तो कोशिश यही कीजिए कि जो भी आप वीडियोस अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर रहे हो वो ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनाने की कोशिश कीजिए, यानी कि अगर आप ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनाओगे तो आपके वीडियोस के ऊपर ज्यादा से ज्यादा व्यूज की प्राप्ति होती रहेगी और आपका चैनल भी दिन प्रतिदिन ग्रो होता चला जाएगा। यानी कि हम यूं कह सकते हैं कि अगर आप ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनाओगे तो बहुत ही कम समय में आपको वीडियोस के ऊपर ज्यादा से ज्यादा व्यूज की प्राप्ति होती चली जाएगी और बहुत ही कम समय में आपके वीडियोस वायरल होने के चांसेस भी आपके बढ़ जाएंगे। तो कोशिश यही कीजिए कि आप जो भी वीडियोस अपलोड करो अपने YouTube चैनल के ऊपर तो वो ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनाने की कोशिश कीजिए ताकि आपके वीडियोस वायरल होने के चांसेस आपके काफी ज्यादा बढ़ जाए। दूसरी अगर हम बात करें तो ऑडियंस रिटेंशन हमारा मेन रहता है, यानी कि जो भी वीडियोस आप बनाओ उसका ऑडियंस रिटेंशन आपका 40% से अधिक होना चाहिए तो आपका वीडियोस तुरंत ही वायरल हो जाएगा और YouTube भी आपके वीडियोस को वायरल करता चला जाएगा, YouTube भी आपके वीडियोस को रिकमेंड करता चला जाएगा, YouTube भी आपके वीडियोस को सजेस्टेड लिस्ट में डालता चला जाएगा, जिससे ये मान लीजिए आपके वीडियोस के ऊपर ज्यादा से ज्यादा व्यूज की प्राप्ति होती रहेगी और आपका वीडियोस ऑटोमेटिकली वायरल होता चला जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यानी कि ऑडियंस रिटेंशन हमारे को मेंटेन करके चलना है। अब ऑडियंस रिटेंशन होता है कि जो हमारे वीडियोस हमने बनाई है उसकी लेंथ और कितने लोगों ने वॉच किया और कितने समय तक वॉच किया उसका कैलकुलेशन हमारा ऑडियंस रिटेंशन कहलाता है। यानी कि हमने 2 मिनट का एक वीडियो बनाया और उस लोगों 50 लोगों ने देखा और सभी ने 1 मिनट तक वॉच किया तो ऑडियंस रिटेंशन हमारा 50% रहेगा तो ऑटोमेटिकली हमारे वीडियोस को YouTube ही वायरल कर देगा। यानी कि ऑडियंस रिटेंशन कोशिश कीजिए कि आपका 40% से अधिक रहे। और अगले टॉपिक की अगर हम बात करें तो हमारा थंबनेल हमारा सामने निकल के आता है कि थंबनेल को आप थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाइए जिससे लोग आपके वीडियोस को वॉच करने के लिए मजबूर हो जाए, आपका कवर फोटो देखते ही लोग उसको ये मान लीजिए ओपन करने के लिए मजबूर हो जाए तो थंबनेल को थोड़ा सा अट्रैक्टिव आपको बनाना होगा कि व्यूअर्स को वो खींचता चला जाए और आपके वीडियोस के ऊपर व्यूज की मात्रा बढ़ाता चला जाए। और अगले टॉपिक की अगर हम बात करें तो हमारी क्वालिटी सामने निकल कर आती है, यानी कि हमारे वीडियोस की ऑडियो क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी हमारी बेटर होनी चाहिए। अगर आपकी वीडियो क्वालिटी बेटर है और ऑडियो आपकी डिस्टरबेंस है तो भी आपका वीडियो नहीं चलने वाला, और अगर आपकी ऑडियो क्वालिटी बेटर है और आपकी वीडियोस में आप जो भी चीज दिखाना चाह रहे हो वो बिल्कुल से ये मान लीजिए बिल्कुल धुंधला दिखाई दे रहा है तो भी आपका वीडियो नहीं चलने वाला। तो कोशिश यही कीजिए कि आप ऑडियो क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी को मेंटेन करके चलिए जिससे जो भी जानकारी आप बताना चाह रहे हो वो सभी को इजीली समझ में आ जाए, वीडियो के माध्यम से भी समझ में आ जाए और सुनने के माध्यम से भी उसको समझ में आ जाए। और कोशिश यही कीजिए कि जो भी लैंग्वेज आप अपने वीडियोस के अंदर इस्तेमाल कर रहे हो वो बिल्कुल से सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल करिए जिससे सभी वर्ग के लोगों को इजीली आपकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन समझ में आ जाए, चाहे वो जेंट्स हो, चाहे वो लेडीज हो, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, जो भी व्यक्ति आपके वीडियोस को वॉच कर रहा है उनको सभी को आपकी लैंग्वेज इजीली समझ में आ जाए और आपके वीडियोस के ऊपर वो ज्यादा से ज्यादा व्यूज की प्राप्ति
होती चले जाए और आपके वीडियो को वो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी करते चले जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यही कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, तो आप लोगों के साथ शेयर कर लीजिए। वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर देना, और हाँ दोस्तों इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि सभी नए क्रिएटर को पता लग सके कि अगर उनको भी अपने यूट्यूब चैनल का क्रिएटेरिया जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है तो क्या अपने वीडियोज के अंदर वो बदलाव करें, ताकि उनके यूट्यूब चैनल का क्रिएटेरिया जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए और उनको भी यूट्यूब की तरफ से कुछ ना कुछ इनकम की प्राप्ति होती चली जाए। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे जो रेड कलर का आपको सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा है उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ साथ में बेल अलर्ट को भी एक्टिवेट करना मत भूलिएगा। दोस्तों अगर आप बेल अलर्ट एक्टिवेट करोगे तो जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका इंटीमेशन सबसे पहले आप ही को मिलेगा और आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख पाओगे।